1917 में मतलब मेरे वालिद साहब जो मेरे दादा काम करते थे हाफिज अन्नू साहब जी, जिन्हीं ने ये सैमन गो बैग वाला मतलब जो कलेक्शन मतलब दे करके आज़ादी के टाइम उन्हीं ने इस पतंग को बना करके और लोगों को मतलब दर्शाया। ठीक है। और मेरी वालदा यही कहती है नहीं अपने बलबूते पे जो कुछ करना करो, किसी का एहसान ना जी। तो वो मेरी माँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरे वालिद साहब की ये याद है, तुम जितने कलर इसमें पतंग में लगा दोगे उतना लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तो वो मैं एक एक पतंग में 4-4, 8-8 कलर लगा दिया करता हूँ और बना करके ये सबके सामने रख देता हूँ, तो लोगों को भाई पसंद हो। आज भी हम लोगों की मर्जी के मुताबिक काम करता हूँ, करके आया। मैं अभी कोरोना के चक्कर में मैं बाराबंकी में 14 तारीख को मैं करके आया और उसमें भी पब्लिक बहुत खुश हुई हमसे, और मैंने पब्लिक के सामने मतलब ये बात रखी, भैया अपने हाथ को पर्दे से दो और दूरियां बनाए रहो और मास्क का बिल्कुल हर वक्त मतलब मास्क लगा करके घर से निकलो। और मैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस चैनल को आप देखिएगा और देखने के बाद मतलब जो कुछ अच्छाई बुराई हो तो बिल्कुल आप हमसे आप रास्ता कायम कीजिएगा। और मोटा भाई से भी मेरे मतलब बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए इसमें स्क्रैच भी नहीं आएगी। ये देखिए ये है, जैसे कपड़ा आप लोग धोते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसको ये देखिए नुई मार करके कपड़ा धोया जाता है। और ये देखिए कोई स्क्रैच आया कहीं। ये कौन सा पेपर है सर? भाई ये अर्पिता सिंह GM जब आई हुई थी, जब उन्हीं ने मंगवा करके। इस पेपर क्या खूबी है सर? इस पेपर में मतलब ये है, ये मतलब बरसात में आप उड़ाइए, समंदर किनारे उड़ाइए, कहीं भी उड़ाइए, इस कागज में मतलब ये फटेगे नहीं। और जैसे जो डिजाइन हम जोड़ देंगे इसमें, ये डिजाइन उसी इन्हीं सब कागजों पे जुड़े हुए हैं। और ये सबसे काला कागज ऐसा है कि आप बगैर पिट्ठे लगाए तो उड़ाइए और फटेगी नहीं कपड़ा। सबसे बड़ी खसूसियत इस कागज में ये बल्लारपुर के हैं कहाँ से? नहीं साहब, बल्लार का नहीं है, बाहर का कहीं कागज है। ये आया था और ये हमने 20 अस्तून से मांगा था, हमें 20 रिंग मिल गया जो आज भी मेरे पास पहुंची है। धन्यवाद दोस्तों। इरफान भाई के हाथ की गुटाई देखिए, इरफान भाई के हाथ की पतंग की गुटाई। इसमें 2 मछली दिख रही हैं, 4 मछलियां दिख रही हैं। चांद तारा है, चांद तारा है, मछली वाली। ये चिकना तख्ता है और लकड़ी। ये हकीक है, ये 100 साल पुराना, ये मेरे दादा के वक्त का हकीक जी। जी हाँ, ये लकड़ी जो है ये हकीक, इसमें एक जड़ा हुआ है जी। और ये लकड़ी भी जो है ये मतलब मेरे पुरखों के वक्त की है, बहुत बढ़िया, ये हमारी नहीं है। ये देखिए मैं गुटाई करने जा रहा हूँ, ये एक हाथ, इसको दूरिया कहा जाता है, दूरिया। इसको चौखाना कहा जाता है, चौखाना। कुर्सी पे जो बिनाई होती थी जी, अक्सर आपने बेत की कुर्सियां देखी होंगी, ये वो डिजाइन इस तरीके से ये हो, इसे भी कुछ कहते हैं। हाँ, इसको देखिए चौपकिया कहा जाता है। ये चौपकिया देखिए बनता जा रहा है। ये देखिए तैयार हो गई। और ये देखिए एक दूसरी पतंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आदमी रिंग वाली गुटाई करता है वो ऐसे हो। जैसे रिंग आपको बनाना है खाली पतंग में, तो ये बहुत शानदार सर। सर एक